जय जवान जय किसान जय बलदान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 26 फरवरी, वार है सोमवार और हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज का क्या भाव है। प्याज का तो भाव मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ किसानों में आक्रोश दिखा मुझे, वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आक्रोश क्यों दिखा, क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बात है कि जो प्राइवेट मंडी थी वो लहसुन की बंद हो चुकी है, केवल लहसुन जो है वो सरकारी में बिकेगा और उसका आक्रोश उन्होंने बताया, वो वीडियो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर प्याज की बात करें आज तो आवक की बात करें तो मोटा मोटा मान के चलो 25,000 के आसपास कट्टे होंगे। उसके अलावा अगर भाव की बात करें तो भाव 22.5-23 तक भी गया है, 20 रुपये, 19 रुपये, 18 रुपये, 10 रुपये से लेकर के 12-13 रुपये तक जो खराब वाला थोड़ा बहुत कम क्वालिटी का वो भी बिका, 15-16-17-18 भी बिका और 22 रुपये, 22.5-23 भी बिका है। तमाम तरह का प्याज मैंने बताया है, उसमें आप देख लेना क्या है। तेजी मंदी की बात करें तो कोई विशेष नहीं है, जैसा भी मार्केट अभी पिछले शनिवार को था लगभग वही मार्केट है। और हाँ, ये वाला वीडियो पहले देखो जो कहने के किसानों ने अपना आक्रोश दिखाया। आक्रोश तो क्या बोलूँ, उनकी मन की पीड़ा है, मन की भावना है जो बताना चाहते। मेरा काम आप तक सही जानकारी, सही चीज़ किसानों के पक्ष या विपक्ष, हर एक चीज़ किसानों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ लेके आना है, फिर चाहे वो सही हो गलत हो मुझे नहीं पता उस चीज़ का। बस ये किसान जो कहने के इस तरह से जब बोल रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही निकल रहा है कहने के ये गलत हो रहा है। बाकी फिर मैंने भी एक चीज़ मुद्दा उठाया उसमें कि हम तमाम चीज़ों को, सरकार भी कहने की तमाम चीज़ों को जो सरकारी थी उनको प्राइवेट बना रही है, जैसे कि रेलवे सरकारी था उसको प्राइवेट बना दिया, टेलीफोन विभाग में सरकारी था धीरे धीरे प्राइवेट आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मंडी को प्राइवेट से सरकारी क्यों किया जा रहा, बल्कि ये होना ये चाहिए कि सिर्फ इंदौर ही क्यों, बाकी तमाम जगह भी सरकारी के साथ में प्राइवेट मंडियाँ भी चलनी चाहिए, मतलब प्राइवेट में भी माल बिकना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। बाकी जो किसानों की आवाज़ सुनी उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है? सुनील राठौर। इधर आओ ना यार साहब, क्या नाम क्या है? सुनील राठौर। क्या भाव क्या है? ये 1900। कहाँ से आए अपन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितना प्याज लेके आए? 82 कट्टा। 82 कट्टा। अभी कितना माल छुपा रखा खेत में और घर में? घर अभी नहीं ना। अरे छुपा के रखना था ना। चलिए दादा, आप क्या लाए थे? बिकते कस्टमर? क्या भाव बिका? 1850। 1850। चलिए जय जवान जय किसान, जय किसान, जय बलराम। अब नहीं रोएगा किसान, ये रोएगा। हाँ भाव बढ़ा, हम नहीं रोएंगे। भाव कर दिया ना तुमने। लहसुन बिक गई? परेशानी में सर, परेशानी में बिकने दिया माल। क्यों क्या परेशानी है? भले पड़ा है माल, सेठ बने किसानों के लिए नहीं, क्या व्यापारी के लिए सेठ बने क्या? सब जगह बिकना चाहिए, सरकारी और प्राइवेट में ना, दोनों बिकना चाहिए। दोनों जगह एक जगह, दोनों जगह कहाँ बिकना चाहिए? आवाज ये मेरी आवाज़ नहीं है, किसानों की आवाज़ है। आप समझ लो, आप समझ लो आपको क्या डिसीजन लेना है, इनकी आवाज़ है। किसान को भाई मेरा बोलना एक जगह ये है, मेरा एक जगह जवाबदार है, मेरा एक बोलना ये है कि तमाम चीजें भारत देश में सरकारी चीजों क्या कर रहे हैं, प्राइवेट बना रहे हैं, और जो प्राइवेट थी मंडी उसको क्या बना रहे हैं, सरकारी। मुझे ये समझ में आया, रेलवे तुम्हारा सरकारी था तुमने प्राइवेट बना दिया, अब ये मंडी जो प्राइवेट थी उसको तुम ले जा रहे हो सरकारी, तो सीधा सा बात है, किसान सीधी सी बात ये चाहता है कि दोनों चीजें दोनों जगह बिके। सीधी सी बात ये है, यहाँ पर भी बिके और वहाँ पर भी बिकते रहे, जैसा चल रहा चलने दो भाई। सीधी सी बात है, किसान को जहाँ फायदा लगेगा वहाँ बेच देगा वो। पर आके तो देखो, मेरी तो आवाज़ ले जानी है, आप तक पहुँचानी है, आपकी मर्जी। इस आवाज़ को आप कब तक कहाँ तक ले जाते हो, अगर आप चाहते हो आवाज़ जाए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बार बार फेंको इस वीडियो को। चलिए जय जवान, जय जवान। 15.5 लगा हुआ, 15.5 लगा हुआ किसान भाई फिलहाल। कहने के किसान भाई ये वाला बिका कहने के 17 रुपए के हिसाब से,
दे दिया यार, ये नहीं दिया है, ये दिया है, ये दस रुपए लगाओ किसान भाई, दस रुपए के हिसाब से दस रुपये 23 लगा हुआ है फिलहाल कहीं ना कहीं, इसका भी 23 लगा हुआ है, इसका भी 23 लगा हुआ है, इसका भी 23 लगा हुआ है, ये वाला यार 22.5 रुपए के हिसाब से गया कहीं ना कहीं 22.5, बड़ा प्याज है, जबरदस्त मोटा प्याज है कहीं ना कहीं, और ये गया 22.5 रुपए के हिसाब से, ये 1200 लगा हुआ किसान भाई। हाँ दादा, क्या नाम है? सदाशिव पटेल। कहाँ से आप पटेल साहब? रावरा धाम। क्या भाव गया प्याज अपना? 21 रुपए। 21 रुपए। किस टाइप का प्याज था? बड़ा था, मीडियम था, किस टाइप? मीडियम साइज था। कितने कट्टे लेके आए थे? 200 कट्टे। अभी कितना और बड़ा हुआ? चल रहा है काम, चल रहा है। दादा आपका भी क्या माल? क्या भाव बिका? 2100। आपका? 1800। अच्छा 1800। चलिए जय जवान जय किसान जय बलदान। 15 रुपए लगा हुआ किसान भाई। उसमें कितने बचे? 10 बचे ना। ये कहीं ना कहीं किसान भाई 15 रुपए के हिसाब से बिका है वाला। 15 रुपए के हिसाब से 15 रुपए के हिसाब से कहीं ना कहीं डन हो गया 15 रुपए। दादा क्या नाम? कहाँ से आप? पाटीदार साहब। क्या भाव गया प्याज अपना ये वाला? 15 रुपए। 15 रुपए। कितने कट्टे लेके आए थे? 61 कट्टे। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है भैया, 18 लगा हुआ किसान भाइयों कहने के। 18 रुपया। आलू भैया 18 रुपए। बहुत बढ़िया है। 20 और वो वाला 20 रुपए। किसान भाई ये वाला गया 20.5 रुपए के हिसाब से। प्याज देखेंगे तो मीडियम साइज प्याज है कहीं ना कहीं, 20.5 के हिसाब से बिका है, महाराष्ट्र का प्याज है कहीं ना कहीं, और ये वाला बिका है 20 रुपए के हिसाब से। ये भी महाराष्ट्र वाले प्याज है, 20 रुपए और 20.5। 15.5 बिका। हाईएस्ट क्या बिका? हाईएस्ट अपने 18-19 तक बिका। ये क्या जा रहा अपना? अभी लगा हुआ 18, ये भी लगा हुआ किसान भाई 18 तक फिलहाल लगा हुआ है, बिकने के बाद देखते हैं। 15 रुपए लगा हुआ किसान भाई कहीं ना कहीं। 15 रुपए। किसान भाई ये वाला बिका कहने के 19 रुपए के हिसाब से बिकते, आपने देखा ना बिकते हुए? 19 रुपए ना। तो किसान का माल नहीं इनका, इन्होंने बिकते हुए देखा कहीं ना कहीं, और ये गया 19 रुपए के हिसाब से। 19 रुपए इसमें आप देखेंगे तो उल्टा साइज भी है, मीडियम साइज भी है, और बड़ा साइज भी आ रहा, मतलब पूरा मिक्स है, महाराष्ट्र का प्याज है। क्या भाव? 22। किसान भाई ये वाला कहने के 22 रुपए बिक गया 22 में, ये बिका कहने के 22 रुपए के हिसाब से। 21, ये 21 रुपए के नहीं, 21 ना, ये 21 रुपए बिका किसान भाइयों के नहीं, और ये वाला बिका है 22 रुपए के साथ, 22 रुपए, बढ़िया प्याज है। ये 18-19 के आसपास बिका किसान भाइयों।